बाउल पोहा लिया है। अब हम इस पोहे को भिगो लेंगे। बस थोड़ा सा टैप के नीचे ही इसको भिगो लेना है। अब हम पोहे को थोड़े समय के लिए ड्राई होने देंगे। देखिए पोहा हमारा ड्राई हो चुका है। पोहे में डालने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिनमें एक हरी मिर्च, एक लाल शिमला मिर्च, एक हरी शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक आलू और एक प्याज। इनको सबको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। तड़का बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच क्यूमन सीड्स डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें चॉप किए हुए आलू डाल देंगे। आलू को हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आलू भी हमारे पक चुके हैं, इसलिए हम बाकी की सारी सब्जियां भी इसी में ऐड कर देंगे। इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सॉल्ट, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इनको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे। अब हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू निचोड़ देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा वेजिटेबल पोहा तैयार है। कितना खिला खिला बना है।